उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के टूंडला विधानसभा क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आगमन दोपहर 3 बजे हो रहा है। वहीं बीजेपी में शामिल हुए रामवीर सिंह उपाध्याय के बेटे चिराग उपाध्याय ने सैकड़ों महिलाओं एवं पुरुषों के साथ पैदल चलकर जनता से फूल पर वोट देने की अपील की। सैकड़ों की संख्या में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए एवं बैनर तले झंडों को फहराते हुए जयकारे भी लगाए, जीत गई भाई जीत गई, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। जबकि वहां नगर की मेयर साहिबा भी नजर आ रही हैं, खूब उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां और धारा 144 का किया उल्लंघन। जब हमारे SKH न्यूज चैनल के जिला संवाददाता स्वराज सिंह ने चिराग उपाध्याय से बातचीत की तो उन्होंने साफ बताया कि मैं कभी बसपा का नेता नहीं रहा, मैं पहली बार बीजेपी में शामिल हुआ हूं। वहीं जनसंपर्क में चिराग उपाध्याय के साथ साथ महापौर मेयर नूतन राठौर, राम नरेश कटारा, आशीष यादव आदि सैकड़ों पुरुष महिला जनसंपर्क में शामिल रहे। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता स्वराज सिंह की रिपोर्ट, SKH न्यूज। किस तरह से कार्यक्रम हो रहा है? आप बसपा के नेता रहे, आप भी रहे और आज बीजेपी साहब लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? बसपा का नेता नहीं रहा हूँ, मेरी पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आप तो पिताजी रहे थे उस समय। जी, मेरे पिताजी बहुत खुश रहे हैं। क्या मानते हो, आप क्या मानते हो, टूटला विधानसभा का उपचुनाव है, क्या मानते हो बीजेपी किस तरह से वोट